वैसे किंग कोबरा का जहर इतना ज्यादा भी खतरनाक नहीं होता। दुनिया का सबसे खतरनाक जहरीला सांप है। किसी किंग कोबरा के लिए इस सांप को मारना कोई आसान काम नहीं है। ये जहरीला मेंढक अमेजोन के घने जंगलों में पाया जाता है। इसीलिए अगर किंग कोबरा गोल्डन पॉइजन फ्रॉग के इलाके में पाया जाता, अगर किंग कोबरा इसके जहर को पचा जाता है, तो फिर किंग कोबरा तो बड़े बड़े सांपों का शिकार करता है। वैसे तो किंग कोबरा को दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप माना जाता है और किंग कोबरा सबसे ज्यादा जहरीले सांपों का शिकार करता है। लेकिन क्या किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले मेंढक गोल्डन पॉइजन फ्रॉग का शिकार कर पाएगा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। किंग कोबरा एक 18 फीट लंबा जहरीले सांपों का शिकार करने वाला एशिया का सबसे खतरनाक सांप। किंग कोबरा के जहर से एक हाथी तक की मौत हो सकती है। किंग कोबरा का जहर एक न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, मतलब इस सांप के काटने के तुरंत बाद आपके दिमाग का संतुलन आपके शरीर से टूट जाएगा, क्योंकि ये जहर शरीर के सभी न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है। और जब शरीर को सही तरह से दिमाग का कंट्रोल नहीं मिल पाता, तो संतुलन बिगड़ जाने की वजह से इस सांप द्वारा काटे गए इंसान की मौत हो जाती है। वैसे किंग कोबरा का जहर इतना ज्यादा भी खतरनाक नहीं होता। किंग कोबरा से ज्यादा खतरनाक तो इनलैंड टाइपेन, ब्लैक मांबा, डेथ एडर जैसे बहुत सारे सांप है। लेकिन किंग कोबरा जब काटता है तो एक बार में लगभग 400 से 450 मिलीग्राम जहर काटे गए जीव के शरीर में छोड़ता है। जहर की मात्रा काफी ज्यादा होने की वजह से सामने वाले की हालत खराब हो जाती है और समय पर इलाज ना मिलने पर उसकी मौत तक हो जाती है। किंग कोबरा के शरीर पर ज्यादातर जहरों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि किंग कोबरा कई ज्यादा जहरीले सांपों का शिकार करता है। किंग कोबरा सांपों का राजा और इंडिया का राष्ट्रीय सरीसृप अपने शरीर की कुछ खास विशेषताओं की वजह से सभी सांपों में बहुत खतरनाक है। दूसरे सांपों की तरह ये अपनी जीभ बाहर निकालकर हवा में उपस्थित दूसरे जीवों की खुशबू को चखकर अपने आसपास के जीवों के बारे में पता लगाता है। किंग कोबरा के पास 100 मीटर के इलाके में हो रही छोटी सी हलचल भी किंग कोबरा महसूस कर लेता है और फिर उसी दिशा में उस जीव का शिकार करने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरे सांपों से अलग किंग कोबरा पक्षियों और चूहों का बहुत कम शिकार करते हैं। ये दिन में शिकार करते हैं और इनके शिकार की लिस्ट में कुछ ऐसे जीव शामिल है जो दूसरे छोटे जीवों का शिकार करते हैं। किंग कोबरा ऐसे सांपों का भी शिकार करता है जो जहरीले नहीं होते। उनके अलावा छोटे किंग कोबरा सांप, भारतीय कोबरा, बैंडेड क्रेट, वाइपर और इसके इलाके में पाए जाने वाले दूसरे जहरीले सांपों का भी ये शिकार करते हैं। इसके अलावा छिपकलियों का भी ये शिकार करते हैं और क्लाउडेड मॉनिटर जैसी छिपकली भी किंग कोबरा का शिकार है। जिस प्रकार से ये जहरीले जीवों का शिकार कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांप इनलैंड टाइपेन को भी मार सकता है। इनलैंड टाइपेन दुनिया का सबसे खतरनाक जहरीला सांप है। किसी किंग कोबरा के लिए इस सांप को मारना कोई आसान काम नहीं है। किंग कोबरा इनलैंड टाइपेन को मार कर निगल तो जाएगा, लेकिन किंग कोबरा थोड़ा बहुत परेशान हो सकता है, क्योंकि इनलैंड टाइपेन का खतरनाक जहर कुछ दिनों के लिए किंग कोबरा का पेट खराब कर सकता है, लेकिन किंग कोबरा को मार नहीं सकता। वही बात अगर हम ब्लैक मांबा की करें तो किंग कोबरा के लिए ब्लैक मांबा को मारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ब्लैक मांबा गुस्सेल स्वभाव का सांप है और किंग कोबरा और ब्लैक मांबा के बीच लड़ाई काफी देर तक चल सकती है, लेकिन अंत में जीत किंग कोबरा की होगी। किंग कोबरा को एनाकोंडा के अलावा सिर्फ एक ही सांप है जो मार सकता है और वो है रेटिकुलेटेड पाइथन। अगर रेटिकुलेटेड पाइथन और किंग कोबरा के बीच लड़ाई होती है तो इस लड़ाई में जीत किसी भी सांप की नहीं होगी। रेटिकुलेटेड पाइथन किंग कोबरा को मार तो देगा, लेकिन लड़ाई के दौरान किंग कोबरा कई बार रेटिकुलेटेड पाइथन को काटेगा। उस वजह से किंग कोबरा का जहर रेटिकुलेटेड पाइथन के लिए घातक साबित होगा। जब तक किंग कोबरा का जहर रेटिकुलेटेड पाइथन पर असर करेगा, तब तक तो रेटिकुलेटेड पाइथन किंग कोबरा को मार चुका होगा। मतलब ओवरऑल अगर हम किंग कोबरा की बात करें तो किंग कोबरा दुनिया के लगभग सभी जहरीले सांपों को मारने का दम रखता है। तो क्या किंग कोबरा इस 2 इंच के छोटे से मेंढक का शिकार कर सकता है? गोल्डन पॉइजन फ्रॉग दुनिया का सबसे खतरनाक जहरीला मेंढक सांपों की तरह काट कर दूसरे जीवों में जहर नहीं फैलाते, बल्कि इनकी त्वचा पर इनका जहर उपस्थित होता है। अगर इनकी त्वचा का ये जहर किसी जीव के घाव पर लग जाए तो फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल काम है। इसकी त्वचा पर उपस्थित होता है अल्कालॉइड बेट्राचोटॉक्सिन जहर, जो इन्हें शिकारी जानवरों से बचाता है।
इस जहर की वजह से गोल्डन पॉइजन फ्रॉग दुनिया का सबसे जहरीला जीव है। ये जहरीला मेंढक अमेजोन के घने जंगलों में पाया जाता है। पुराने जमाने में लोग इस मेंढक के जहर को अपने हथियारों पर लगाकर दुश्मन पर वार करते थे, जिससे अगर दुश्मन घायल भी हो जाता था तो उसकी मौत निश्चित थी। तो जब ये मेंढक इतना जहरीला है, क्या किंग कोबरा इस मेंढक को खा पाएगा? देखिए, गोल्डन पॉइजन फ्रॉग की लंबाई बस 5 सेंटीमीटर तक होती है और गोल्डन पॉइजन फ्रॉग लगभग 10 इंसानों को मौत के घाट उतार सकता है। वहीं दूसरी तरफ 18 फीट लंबा किंग कोबरा लगभग 20 इंसानों को मौत के घाट उतार सकता है। इससे ये पता चलता है कि गोल्डन पॉइजन फ्रॉग का जहर ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो इतने छोटे आकार का होते हुए भी 10 इंसानों के लिए घातक साबित हो सकता है। गोल्डन पॉइजन फ्रॉग अमेजोन के जंगलों में पाया जाता है और किंग कोबरा से इनका मुकाबला होना लगभग नाके बराबर है। आपको तो ये बात जरूर मालूम होगी कि जो जानवर जिस इलाके में रहता है, उस इलाके में वो हर जानवर से वाकिफ रहता है। लेकिन गोल्डन पॉइजन फ्रॉग किंग कोबरा के इलाके में नहीं रहता। किंग कोबरा गोल्डन पॉइजन फ्रॉग के लिए एक अलग प्रकार का सांप होगा। गोल्डन पॉइजन फ्रॉग के इलाके में एक सांप पाया जाता है जिसका नाम है फायर बेलीड स्नैक। ये सांप गोल्डन पॉइजन फ्रॉग का शिकार करता है। ये सांप गोल्डन पॉइजन फ्रॉग के इलाके में पाया जाता है और वर्षों से ये इन मेंढकों का शिकार करता आया है, इसीलिए इस सांप पर इस मेंढक के जहर का कोई असर नहीं होता। लेकिन इस सांप की जगह किंग कोबरा हो और वो गोल्डन पॉइजन का शिकार करने की सोचे तो किंग कोबरा बड़ी आसानी से गोल्डन पॉइजन फ्रॉग को मार तो देगा, लेकिन उसे निगलने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो गोल्डन पॉइजन फ्रॉग का खतरनाक जहर किंग कोबरा को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, यहाँ तक कि मौत के घाट भी उतार सकता है। इसीलिए इन दोनों के बीच की लड़ाई का विनर कौन होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये बात तो है कि पहले मौत गोल्डन पॉइजन फ्रॉग की होगी। अगर किंग कोबरा इसके जहर को पचा जाता है तो फिर जीत किंग कोबरा की होगी। लेकिन किंग कोबरा जैसा भारी भरकम सांप किसी छोटे से मेंढक को खाने की कोशिश क्यों करेगा, जिसका स्वाद ना तो अच्छा है और उसको खाना किंग कोबरा के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए अगर किंग कोबरा गोल्डन पॉइजन फ्रॉग के इलाके में पाया जाता तो वो शायद ही कभी इन मेंढकों पर हमला करता, क्योंकि किंग कोबरा तो बड़े बड़े सांपों का शिकार करता है, वो क्यों इन छोटे मोटे मेंढकों पर हमला करके अपना पेट खराब करता। दोनों ही जानवर बहुत खतरनाक है, दोनों के पास बहुत ही खतरनाक जहर है। गोल्डन पॉइजन फ्रॉग के आसपास तो आप जा सकते हो, हाथों में ग्लव्स पहनकर आप उन्हें पकड़ भी सकते हो, लेकिन ऐसी गलती किंग कोबरा के साथ मत करना, क्योंकि वो किंग कोबरा है, आपकी पलक भी नहीं झपकेगी उससे पहले उसका जहर आपके शरीर में होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अस्पताल में कब पहुंच गए। अगर देर कर दी तो आप सीधा ऊपर भी पहुंच सकते हो, तो इनसे जरा बच के।